पर्दे का सुल्तान अलग, सुल्तान दरअसल यही है साक्षी मलिक हमारे लिए। कुछ महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, अच्छा रियो ओलंपिक के लिए टीम जा रही है, दो चार नाम जानते हैं, नाम नहीं सुना किसी ने, वापस आते एक ही नाम ही सुना सबने, साक्षी मलिक। कुछ फ्री टाइम मिल पाया तब से या नहीं? लौटने के बाद से सांस लेने की भी फुर्सत मिली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बहुत लाइफ चेंज हो गई। और आज तो हम लुक भी चेंज देख रहे हैं, वहां पर मैट पर देखकर कभी सोचा था कि साक्षी मलिक इतनी ग्लैमरस दिखती होंगी? जी सब बोलते हैं कि मैट के टाइम पे इतनी स्ट्रांग लगती है, इतनी तगड़ी लगती है, अब तो बिल्कुल डॉल लग रही है, और ये सब कमेंट्स। लेकिन वो डॉल के साथ ये मसल्स भी हैं कंबाइन करने के लिए, छुपी हुई है। कितने किलो के हैं? अभी तो छुपी है, अभी तो किसी को नहीं दिख रही छुपी है, किसी को दिख नहीं रही है, लेकिन जो दिख रहा है वो ये कि अब वर्ल्ड नंबर 4 हो गई है 58 kgs में, पहले सेकेंड। ट्विटर अकाउंट बहुत पहले से था, फॉलोअर नहीं थे, अब 1 लाख फॉलोअर हो गए हैं। इनके पास नई गाड़ी हो गई है, नया मेडल है, खेल रत्न है। वाह साक्षी मैडम, बढ़िया है। कहते हैं दोस्त ये जी? दोस्त कहते हैं ऐसा? दोस्त अभी से, जब से ओलंपिक चाहिए लाइफ ही चेंज हो गया, फ्रेंड्स बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई है, डेली प्रोग्राम्स, तो फ्रेंड्स से अभी खुल के बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमने सबने देखा कि किस तरीके से इन्होंने रेसलिंग मैट पर जो सामने ओपोनेंट आती थी एकदम रूथलेस, बिल्कुल उसे पटक पटक कर मारती थी। इनके अपने कमरे में सॉफ्ट टॉयज लगे रहते हैं जी बहुत सारे टेडी बेयर। आपका एक फेवरेट टेडी बेयर भी देखा था हमने। कौन से वाला? एक पिंक कलर का टेडी बेयर था जी, वो फेवरेट है आपका? वो भैया भाभी ने दिया था बर्थडे पर जी, और उनका पूरा परिवार भी हमारे साथ ही थे, एंटायर फैमिली इज हियर। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो स्कूल कॉलेज सबके हैं, सब ना एक स्टीरियोटाइप से सबको बड़ा प्रॉब्लम होता है, लड़की हो ऐसा करो, लड़के हो ऐसा करो, लड़की हो रेसलिंग करो, ये कैसे? वो कान आपके, आपके कान ठीक कैसे? मैं चाहती हूँ आप कान दिखाइए अपने, आपके कान अभी तक ठीक कैसे हैं? क्योंकि आप किसी को भी देख लीजिए, देव सुशील कुमार, देव योगेश्वर दत्त, सबके कान टूटे हुए, देव गॉट एलिफेंट ईयर्स, गोभी कान। मम्मी पापा ने पहले ही कंडीशन रखी थी कि कान नहीं टूटने चाहिए अगर रेसलिंग में, लेकिन बचाते कैसे? उसमें तो दांव ही यहाँ पर लगता है। हाँ, एक बार बहुत मतलब टूटा था मेरा, फिर ईयर गार्ड मैंने लगा के ट्रेनिंग की थी, फिर ठीक हो गया। अच्छा, ये भी होता होगा ना कि लड़की है खूबसूरत दिखना, कहीं स्क्रैच लग जाए, कहीं चोट का निशान, ऐसे चोट के साथ आते थे आप? बिल्कुल लगती है, स्टिचेस भी आते हैं और होंठ भी फूट जाते हैं, काफी सारा है, पर रिकवरी हो जाती है। तो ये बताया गया था कि आपको शायद सबसे पहले जब मना किया गया था तो इसी वजह से कि नहीं नहीं चोट वोट लग जाएगी, कान टूट जाएंगे और मसल्स बन जाएंगी, बिल्कुल लड़की नहीं लगेगी। लेकिन लड़की लगती है ना। और सिर्फ लड़की लगती नहीं है बल्कि एक फ्लो जो हुआ करती थी फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयना, तो जब वो रेस लगाती थी तो पिंक नेल्स, और यही पिंक नेल्स मुझे साक्षी के हाथों पर भी नजर आ रहा है। तो आपने तो वो भी किया था नेल आर्ट, और ओलंपिक से पहले इंडिया का फ्लैग, ओलंपिक्स का एम्बलम, सब कुछ था आपके? सपने थे मेरे कि जीतने के बाद मैट पे फ्लैग लेके घूमूंगी, नेल आर्ट बनवाऊंगी इंडियन फ्लैग का, तो वो सब पूरा हो गया जी। अब बताइए कितना कितना सिमिलर लगता है अपने आप से, नहीं तो कोई देखे सोचे कि चैंपियन है तो वो सीधा जाकर वहां पर बस लड़ाई लड़ता होगा, ट्रेनिंग करता होगा और उसके बाद जाकर मैट पर बस लड़ते होंगे सब। लेकिन एक चीज जो समझ नहीं आती वो ये कि चाहे हम बॉक्सिंग में मैरीकॉम की बात करें, लड़कों को से प्रैक्टिस करनी होती थी, लड़कियां थी नहीं, बाद में यहां पर चंगी राम की बेटियां जो थी सोनिका काली रमन लड़कों से रेसल करती थी, थोड़ा अजीब नहीं लगता है लड़कों से रेसल कर करके? शुरू में लगता है। और लड़कों को अजीब लगता है हारने में? लड़कों को बहुत अजीब लगता है कभी जैसे कोच पार्टनर्स ढूंढते हैं बॉयज, तो मना कर देते कि मेरे यहाँ इंजरी है, वहाँ इंजरी है, कहीं हार जाएंगे तो फिर बाद में सब मजाक बनाएंगे कि लड़की से हार गया। कोई यहाँ पर है जो रेसलिंग करेगा साक्षी मलिक के साथ? किसी में है दम? क्या हम रेसलिंग मैट ला सकते हैं स्टेज पर?
मुझ में नहीं है इसलिए मैंने चैलेंज ही नहीं किया. कौन आ रहा है स्टेज पर? और कोई लड़की भी आ गई? आ गई, आ गई. आपका नाम? साहिल. साहिल, साहिल. कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतक. रोहतक के रहने वाले हैं? तो हरियाणा वाले ने हिम्मत की. आपको रेसलिंग आती है या अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं यहाँ पर? प्लीज कम. What's your name? हलाका. लेकिन इनके चेहरे पर डर है अभी. आपको सीखना है या करना है? It's easier than I have to learn. किस एज से सीखना शुरू कर सकते हैं? बड़े होकर सीख सकते हैं? मतलब नहीं, बड़े होकर नहीं सीख सकते, क्योंकि एक टाइम होता है जिसमें कैचिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है. तो 10 से 12 साल से शुरू कर. अब कोई सीखने की कोशिश करे और आपसे मुकाबला करे तो मर्डर हो जाएगा फिर. जी. आप सचमुच में? यू आर सीरियस? अभी इन्हीं से सीखा है, थोड़ा देखा है तो. देख के सीखा है? फर्स्ट स्टेज रेस्टलिंग की सबसे पहले. ये सबसे पहला है. मैंने 3 महीने कंटिन्यू सिर्फ यही किया था. 3 महीने कंटिन्यूस बस यही करके? हाँ, आप 3 मिनट कर लीजिए. हाँ, और उसके बाद पहला दांव कहाँ जाता है? पहला दांव मुझे मेरे कोच ने सिखाया था, डबल लेग अटैक, जो अभी तक मेरा फेवरेट है. आप अपने ऊपर आजमाना चाहेंगे? डबल लेग जो लेग्स में अटैक होता है, ऊपर से नहीं होता, पैरों में होता है. इन्होंने कहा तोड़ना मत बस. ओके, तोड़ना मत प्लीज. बस एक बार एक्टिंग करके दिखा दीजिए कहां तक जाता है. चांस बना लो. अच्छा ठीक है, अब है. वो डर रहे, सीख ही रहे. लड़की सीखेगी? हाँ, वो डर रहे, वो तो पीछे मैट से ही अलग हट जा रहे हैं. I can do on this outfit. दूसरे आउटफिट में हो जाता साक्षी मलिक से कुश्ती? Maybe. वो भी तो हील्स में है, आप तो फ्लैट में है. फिर भी I learn from her. कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा दाव होता है जिसे एक बार अगर कर दिया जाए, अगर छोटा सा कोई भी एक चीज नहीं होती है कुश्ती में, या होती है कोई ऐसी चीज कि हम सड़क पर निकल रहे हैं, किसी ने कुछ किया तो हम पलट कर उसे? होती है, अगर कोई अटैक करने आ रहा है तो धोबी पछाड़ होती है, ढाक होती है, जिससे एकदम. हाँ, ये धोबी पछाड़ के लिए रेडी है. चीयर करें इनको. इसमें पूरा नीचे नीचे डाउन हो, नीचे जाना पड़ता है पूरा. गिरा दोगे आप? ओके, गिरा. वो हील उतार कर ऐसा कर सकती हैं, वो तैयार है उसके लिए. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर चीयर हमें साक्षी को करना चाहिए या फिर इनको, साहिल को, जो हिम्मत कर रहे हैं धोबी पछाड़ के. आप कंफर्टेबल है? मैं साइड हट जाऊं? Thank you so much for being a sport. Thank you. अच्छा, ये सिंप्लिसिटी ना एक एथलीट में ही हो सकती है कि स्टेज पर अपने हील्स उतारने को भी तैयार रहे. लेकिन यही बात है, इसीलिए साक्षी मलिक साक्षी मलिक है. लेकिन कितने लोग हैं जो बदल रहे हैं? दरअसल हरियाणा को जब हम सब देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि
वही लड़कियां कम, लड़कियों को मार दिया गया बचपन में ही, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया गया, क्या हम सही सोचते हैं या फिर आज का हरियाणा पूरी तरह से बदल चुका है? जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो हमारे मैट पे सिर्फ 3 से 4 लड़कियां थी। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे लड़कियों के मेडल्स आने शुरू हुए रेसलिंग में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में मेरा आया, और अब ओलंपिक्स में, तो इतनी लड़कियां बढ़ गई हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए जगह नहीं मिलती। अच्छा जी, तो अब लड़कियां लड़कियों से कर सकती हैं, अब लड़कियां हैं इतनी। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिनका लेवल हाई है जैसे आप, तो आपको बेटर रेसलर्स चाहिए, तो आपको जो लड़के हैं उनसे बेटर प्रैक्टिस होती है? हाँ, जैसे मेरे सेंटर पे है वहाँ, मतलब लेवल कितनी लड़कियां नहीं, बहुत जूनियर्स हैं, तो कोच मेरा वहाँ लड़कों के साथ करवाते हैं, और जैसे कि नेशनल कैंप्स में ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है उसमें, मतलब बराबर के, और मेरे अपोनेंट्स भी हैवी वेट की लड़कियां भी सब होती है वहाँ, सब मिल जाते हैं, तो अब उतनी दिक्कत नहीं होती है नहीं, जितनी नहीं, पहले नहीं, होती थी। और आप बता रही थी कि पहले पहले लड़कों से कुश्ती करने में अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे सिंपल हो गया एक स्पोर्ट। हाँ, पहले अजीब लगता था, फिर धीरे धीरे अब तो कॉमन है, सब करते हैं लड़कों के साथ, कि भाई हमारे में इम्प्रूवमेंट आए हैं। जी, और ये भी सच है कि आपके कोच को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था कि उसका विरोध का बहुत प्रोटेस्ट था कि इसको क्यों, लड़की को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ, शुरू में जब मैंने शुरू की तो 2-3 लड़कियां थी, तो सब भी कोई बोलते थे कि क्यों लड़कियों का अखाड़ा क्यों चला रहे हो, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं, लड़कों का अखाड़ा चलाओ। फिर धीरे धीरे अब भी हमारे में लड़कियों की ज्यादा अचीवमेंट्स है कंपेयर टू बॉयज। और अब तो फिल्में बन रही हैं, अब तो फिल्में बन रही हैं जहां पर हम अगर सुल्तान जैसी फिल्म देखते हैं तो उसमें आरफा नाम की एक फीमेल रेसलर होती है, जिसकी वजह से लड़का समझता है कि मुझे भी रेसलर बनना है। दंगल जैसी फिल्म आ रही है जहां पर तीन वो, मुझे लगता है छह बहनें हैं। तो ऐसी चीजें हैं जो लगता है जैसे कि उन्हें इंट्यूशन हो गया था कि जमाना बदलने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग जितनी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों से, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, जब आपने साक्षी का वो देखा होगा मुकाबला, यू सॉ हर विन, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज दैट द सेलिब्रेशंस आफ्टर द विन, और एक डांस आप सबने देखा होगा जो जबरदस्त था, याद है मम्मी का डांस देखा था? तो साक्षी की मम्मी यहाँ पर हैं, हम उनको स्टेज पर बुलाएंगे, आइए प्लीज मैम। पापा आप भी आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, डांस करते तो हमने सिर्फ मम्मी को देखा था, लेकिन हम सबको करता देखना चाहेंगे यहाँ पर, पूरी फैमिली को ही बुला लो एक बार। शुरू कर लेते हैं, जरूर प्लीज। अच्छा, साक्षी से चेहरा किसका मिलता है? आपका मिलता है, साक्षी आप पर गई है बिल्कुल, है ना? आइए प्लीज, क्योंकि अगर एक लड़की को, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि एक स्टीरियोटाइप है हरियाणा, लड़की निकल कर आई वहां से, तो माँ बाप को उसमें सबसे ज्यादा तालियां मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने ना बोल दिया होता तो वो रेसलर नहीं बनती। फैमिली का सपोर्ट सबसे पहले है, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। आप लोगों को लड़ना पड़ा था सबसे सोसाइटी? हाँ, पहले पहले गांव में एक आध बात कहते, देख लड़कियां क्या कुश्ती करेंगे, ऐसी बात हमने भी सुनवाई थी। तो फिर इसका हमने पूरा ध्यान रखते हुए इस बात को बताया नहीं, और इसको बाकायदा लगातार ट्रेनिंग देते रहे। जी, बहुत बहुत साथ दिया है मम्मी पापा ने। आपको भी पहलवानी का शौक तो नहीं था? नहीं, मेरे को पहलवानी का शौक नहीं था, जब इसको पहलवानी में डाला फिर मेरे को शौक हो गया। ऐसा तो नहीं कि उसके बाद आपने भी ट्राई किया हो? आपने ट्राई तो नहीं किया कोई दांव? नहीं किया नहीं, बस इसको मैं जब वहाँ देखती थी तो मेरा मन करता था इसके साथ में भी प्रैक्टिस करूँ। कोई प्रैक्टिस होता तो नहीं था घर पे कहीं? जी, घर पे कोई प्रैक्टिस आजमाती तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखते थे, बैठते थे, बैठे बैठे इनकी कुश्ती देखते रहते थे, उसमें बड़ा आनंद आता था, जोश आ जाता था। डांस आपने बड़ा अच्छा किया था, आप भी डांस करती हैं? मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। डांस करने के लिए आना जरूरी है? वो तो कुश्ती जानते नहीं थे, आकर आपसे लड़ लिया, दो भी पछाड़ हो गया था यहाँ पर। मुझे शौक भी नहीं है और आता भी नहीं है, कुश्ती थी वो मम्मी करेगी, लेकिन मम्मी कर सकती है। बेबी को बेस पसंद नहीं है?
नहीं इस बेबी को बेस नहीं पसंद है कुछ भी पसंद गाने सुनने का शौक है लेकिन इन्हें बहुत गाने सुनने का बहुत शौक है या टीवी देखने का टीवी देखने का शौक है गाने का नहीं टीवी देखने का शौक है बहुत ज्यादा टीवी चलता रहना चाहिए घर में ऐसा सुना कि टीवी अगर ऑन नहीं रहता है तो साक्षी का मूड खराब हो जाता है ये तो उनके भाई ने ही बताया हाँ यही है अगर टीवी ऑन ना हो घर में तो उनका मूड खराब हो जाता है टीवी ऑन रहना चाहिए साक्षी से जब मैंने ये पूछा तो उसने कहा नहीं 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 ये सही नहीं है वो ऐसा नहीं करती हूँ मैं वो सिर्फ गाने के ऊपर टीवी रिचार्ज होना चाहिए टीवी रिचार्ज होना चाहिए जब मैं कैंप से घर आऊँ तो उस पर बहुत लड़ाई होती है कि मेरा टीवी रिचार्ज नहीं करवाया तो इसे कभी डांट नहीं पड़ता था साक्षी को कि तुमने ऐसी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो खेल पर ध्यान दो क्या टीवी देख रही हो ये चीजें मैं इसकी पढ़ाई की बताऊं इसने एम पी एड और बी पी एड की है रेसलिंग के साथ साथ ये पढ़ाई में भी पीछे नहीं है बिल्कुल अव्वल रही है हमेशा फर्स्ट रीजन से पूरी फैमिली के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए इन्हीं के समर्थन से देश का सर ऊंचा हुआ है थैंक यू Sakshi, thank you so much. I hope you enjoyed yourself. I hope you guys enjoyed yourself. And ma'am, thank you so much. I would like to thank Sakshi's mother. What a sport you were. Thank you. Thanks to all for your love and support. So now Sakshi has some t-shirts that she has signed and she's going to throw it out. Thank you so much once again. Thank you, Mrs. Puri.